टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बजे और आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ बैंकॉक में वो है यहाँ का गुरुद्वारा साहिब। तो बस यही बचा था कि जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ के दर्शन नहीं किए थे, फटाफट जा रहा हूँ अभी हूँ खालसा रोड पे, यहाँ से जाऊँगा गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। अभी जो गुरुद्वारा साहिब है वो चाइना टाउन के पास है, तो आप टैक्सी बुक करके जा सकते हैं खालसा रोड से, मेरे लग रहे हैं 50 बाद जाने के लिए, तो बाइक टैक्सी है जो मैंने बुक कर ली है। फाइनली जो बाइक टैक्सी है वो आ चुकी है, खालसा रोड से निकल चुके हैं और दिन में आप खालसा रोड का जो व्यू है देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शांत है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ खालसा रोड से 10 मिनट की मतलब 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप गुरुद्वारा श्री सिंह सभा साहिब बैंकॉक पहुंच जाओगे। गूगल मैप से आप बहुत इजीली आ सकते हो, मेरे 50 बात लगे और मैं गुरुद्वारा साहिब पहुंच गया। बाइक टैक्सी ने छोड़ दिया और सामने इंडियन रॉयल ढाबा है, तो आपको गूगल मैप का यूज़ करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर ठीक है एक इंडिया करके नाम की जगह भी है और यहीं पर आपको गुरुद्वारा साहिब है जो दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो और सामने है वो गुरुद्वारा साहिब की एंट्री है जो देखो ये है गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सगा साहिब बैंकॉक, और यहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हो। गुरुद्वारा साहिब देखो सिख टेंपल लिखा भी हुआ है और इसके अंदर आप दर्शन करने जाइए। तो यहाँ से अभी अंदर एंटर कर रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सजा रखे हैं। यहाँ पे देखो पार्किंग भी बनी हुई है तो शायद लोग रहने भी आते हैं, इधर टॉयलेट्स बने हुए हैं तो यहाँ पे शायद स्टे की ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ऐसे पार्किंग बनी हुई है। और अंदर जाएंगे हम तो वैसे बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आते होंगे, बट अगर आप भी हैं पंजाब से और मतलब इंडिया से आ रहे हैं तो गुरुद्वारा साहिब में भी ज़रूर विज़िट करके जाएं, ये अच्छी एक बात है कि आप अपने टेंपल्स में भी ज़रूर विज़िट करें। मैंने बुद्धिस्ट टेंपल में तो बहुत विज़िट किया और अब जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। तो देखो ऐसे गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पे आपको अपने जोड़े उतार देने और यहाँ पे ठीक है आपका जो आज का अरदास है वो लगी हुई है और 6th फ्लोर पे चले जाना है आपको गुरुद्वारा साहिब में, वो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। बस ठीक है नीचे जूते चप्पल उतार दिए, गुरुद्वारा साहिब में बहुत ही कम लोग हैं बट सेवादार है जो यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको अपने जूते चप्पल उतार के सिर कवर करके आपको चले जाना है 6th फ्लोर पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी जो मेन गुरुद्वारा साहिब है वो तो मतलब बंद हो चुका है क्योंकि टाइम लेट हो गया, बट जो सचखंड है वो ओपन रहता है जो कि 6th फ्लोर पे, जहाँ पे जाके आप किसी भी टाइम में दर्शन कर सकते हैं। तो देखो 6th फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ, ऐसा कुछ गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पे हरमिंदर साहिब की पेंटिंग लगी हुई है, उसके बाद सचखंड जा सकते हो आप, ठीक है सामने दर्शन करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे वगैरह भी बने हुए हैं, देखते हो ये है गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं सचखंड में। देख सकते हैं ऐसा कुछ गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पे देखो हाथ धोने के लिए भी है और ऐसा कुछ परिसर है। तो फाइनली गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो चुके हैं, ठीक है 6th फ्लोर पे सचखंड है, डिफरेंट सबके लिए अलग अलग मतलब सचखंड बनाए हुए हैं, तो जिसको भी यहाँ दर्शन करने हो ऊपर आ सकते हैं 6th फ्लोर में और सभी जगह आप दर्शन करके जा सकते हैं। शांति यहाँ पे मेंटेन रखें, रूल रेगुलेशंस का फॉलो ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे जो मतलब शॉर्ट्स वगैरह पहन के आना अलाउड नहीं है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे आप फॉलो ज़रूर करें और लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आने वाली। तो चलो अब चलते हैं वापस खालसा रोड और रेस्ट करके रात को 11 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, 12 बजे वहाँ पहुँचूंगा, फिर 1-2 घंटे मुझे लगेंगे अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में। और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे फरमान है जो आज के लिखे हुए हैं, ठीक है कौन से दिन पे क्या होगा वो सब भी लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा है जो गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे सिख हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, सबसे पहले 10 गुरुज़ के नाम लिखे हैं, फिर
पांच तख्तों के नाम लिखे हैं, गुरुद्वारा साहिब क्या होता है वो बता रखा है, अरदास क्या होती है वो बता रखा है, लंगर सेवा के बारे में सिमरन नितनेम फतेह जयकारा क्या होता है वो बता रखा है, कीर्तन क्या होता है ठीक है, उसके बाद पांच कचहरे क्या होते हैं, अमृत क्या छका होता है, चार साहबजादे कौन थे, पूरी हिस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से जो यहाँ पे बता रखी है। तो जो लोगों को नहीं पता सिख हिस्ट्री के बारे में ये सब चीज़ें यहाँ पे जो पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बाहर वापस। सो गाइज ये था मेरा लास्ट डे ठीक है थाईलैंड ट्रिप का, 15 दिन की सोलो इंटरनेशनल ट्रिप की मैंने स्टार्ट की थी 17 तारीख को, आज डेट है 30 अगस्त 2024 और टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे और मेरी आज की ट्रिप है जो ख़त्म हो चुकी है। ये था मेरा लास्ट एक्सप्लोरेशन जो कि मैंने बाबा जी के दर्शन करके ख़त्म किया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग है जो पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वापस मैं जाऊँगा यहाँ से ठीक है सूर्यभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक और फिर वहाँ से कैसे फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। ये मेरी लाइफ की दूसरी फ़्लाइट लेने वाली है, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार फ़्लाइट में बैठा था इंडिगो की और आज दूसरी बार मैं फ़्लाइट में बैठने वाला हूँ। रात को कल सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट है तो लगभग 11 बजे यहाँ से रात को मैं एयरपोर्ट के लिए जो निकल जाऊँगा, तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना। फाइनली दर्शन भी हो गए और दोबारा से टैक्सी करके निकल चुका हूँ होटल की तरफ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेके एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरियाज में आप होटल्स बुक कर सकते हो अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करें हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में जिसमें आप जाने वाले खुद से ठीक है बिना किसी पैकेज वगैरह के और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस ठीक है, जिसमें इसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो जिसमें आप अपने सारे डाउट है जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या आपको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल विद बंटी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में मैं आपको ठीक है अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।